मध्य प्रदेश की रतलाम सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया चुनाव हार गए हैं। कांतिलाल भूरिया को अनीता नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने शिकस्त दी है। बड़ा उलटफेर हुआ है क्योंकि कांतिलाल भूरिया के सामने एकदम नया नाम था अनीता नागर सिंह चौहान और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये मान के चला जा रहा था कि ये भील और भिलाला के बीच का चुनाव है, इसमें कांतिलाल भूरिया जीत ही जाएंगे ऐसा माना जा रहा था। जी हाँ, कांग्रेस को बेहद भरोसा था कि कांतिलाल भूरिया अपनी सीट निकालेंगे, आदिवासी नेता है और इस युद्ध में कांतिलाल भूरिया की जीत हो सकती थी। लेकिन अनीता सिंह नागर चौहान चाहे भले ही कितना नया चेहरा थी, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि मोदी लहर के आगे कांतिलाल भूरिया भी नहीं टिक सके। अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी की कैंडिडेट ने अपनी जीत दर्ज कराई।